एक तरफ अजीत पवार और शरद पवार के बीच एनसीपी को लेकर रस्साकसी जारी है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना का शिंदे गुट भी टेंशन में है। एनसीपी के सरकार में शामिल होने के बाद शिंदे गुट के विधायकों को कई मंत्री पदों से हाथ से निकलने का डर सता रहा है, जिसके बाद शिंदे गुट के विधायकों की नाराजगी भी सामने आने लगी है। डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। हमारे लोगों के जो पद मिलने वाले थे वो कम हुए, इसलिए थोड़ी नाराजगी है। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। उद्धव ठाकरे से बगावत करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार का जोर शोर से अपनी सरकार में स्वागत किया था। अजीत पवार को सरकार का तीसरा इंजन बता दिया था, लेकिन अब शिंदे की ट्रिपल इंजन सरकार का तीसरा इंजन शिंदे गुट का बैलेंस बिगाड़ रहा है और इसके साइड इफेक्ट्स भी नजर आने लगे हैं। शिंदे गुट के विधायक नाराज हो रहे हैं, एकनाथ शिंदे के माथे पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं। शिंदे गुट बेचैन है और उनके विधायकों ने अब खुलकर इसका इजहार करना भी शुरू कर दिया है। जब उनको सत्ते में हिस्सेदारी दी तो बट नेचुरल है कि कुछ हमारे ही लोगों के जो पद मिलने वाले थे वो कम हुए, इसलिए थोड़ी नाराजगी है, ये मैं मानता हूँ। ये कोई झूठ या छुपाने वाली बात नहीं, नहीं वो आ गए हम बहुत खुश है ऐसा नहीं है, तो ये तो होता है। लेकिन इसका अभी जो तोड़ है, इसके ऊपर सोल्यूशन जो है वो सीएम ने, अब डिप्टी सीएम ने निकालना चाहिए, नहीं तो ये नाराजगी बढ़ना ये अपने लिए भी ठीक नहीं है। एकनाथ शिंदे भी अपने विधायकों की बेचैनी को समझते हैं, ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने नागपुर पहुंचे एकनाथ शिंदे अपने दो दिनों के कार्यक्रम को रद्द करके अचानक मुंबई पहुंच गए। चलिए समझिए आखिरकार अजीत पवार और एनसीपी के एक गुट की सरकार में एंट्री के बाद शिंदे गुट की बेचैनी क्यों बढ़ी। अजीत पवार को वित्त मंत्रालय देने की चर्चाएं हैं, ये शिंदे गुट को पसंद नहीं आ रहा। एनसीपी की सरकार में एंट्री के बाद शिंदे गुट के मंत्रियों की संख्या भी कम होगी। कैबिनेट विस्तार में इससे पहले शिंदे गुट को ज्यादा मंत्री पदों की उम्मीद थी। महाराष्ट्र सरकार में शिंदे गुट की हैसियत भी कम हो गई है, क्योंकि बहुमत के लिए अब बीजेपी की शिंदे गुट पर निर्भरता खत्म हो गई है। इसके अलावा शरद पवार की एनसीपी से परेशान होकर ही शिंदे गुट ने महाविकास अघाड़ी की सरकार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बाय बाय बोला था। शरद पवार साहब के हम खिलाफ में है, वजह ये है कि उन्होंने पार्टी को खत्म करना चाहता था। उनका एक स्टेटमेंट है, उन्होंने ये भी बोला था कि जो बाला साहब के हयात में मुझे जो करना कर नहीं सका मैं वो आप करके दिखाऊंगा। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत भी शिंदे गुट के घाव पर नमक छिड़क कर विधायकों को बेचैन कर रहे हैं। संजय राउत यहां भविष्यवाणी कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की कुर्सी भी खतरे में है। Z News.